कहते हैं माँ की आराधना तो श्री राम को भी करना पड़ा था माँ सीता को पाने के लिए। कहते हैं नवरात्रि सारे देवताओं को असुर से विजय प्राप्त कराने के लिए, माँ भगवती की पूजा करने के लिए। और कहते हैं पूरे वर्ष में आपकी जो भी अशुद्धि है, अगर आपने इस नवरात्रि के समय में अपने आप को शुद्ध करके एक मिनट के लिए हिंदू धर्म रीति के साथ मौन रखा और सिर्फ कह दिया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन उस सबसे भी अच्छी बात यह है कि आज का वक्ता जो खास है, जो खुद अपने पराक्रम का पर्यायवाची शब्द, जो अपनी महत्ता नहीं बताता है बल्कि अपनी विनम्रता के साथ आपके सामने तथ्यों को और आंकड़ों को रखता है, जो खुद सफल होने के लिए बेचैन है और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिलोर मारे रखता है, एंड हु इज ऑल्सो सक्सेसफुल इन प्रीवियस लाइफ, पेशे से नौकरशाह सर्वोच्च पद पर, दंपति के रूप में सरिता और ओम प्रकाश जी और वक्ता के रूप में ओम प्रकाश यादव, इज अनपैरेलल। और आज के लिए क्लब में वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको बुलाते हुए। एक जबरदस्त ध्वनि से, करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का, और आइए इस अली क्लब में आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है उनके स्पीच के रूप में। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सभी मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है आज इस पावन अवसर पर। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में धर्म, संस्कृति, कर्तव्य, आस्था, ये सभी एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन सबों को निकाल पाना, अलग करना, पृथक करना सर्वथा असंभव भी है और कदाचित अनुचित भी है। यह देश परंपराओं, सभ्यताओं और अपने साथ एंशिएंट इथोस के साथ साथ मॉडर्निटी को भी एक साथ लेके चलने का नाम है। अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जलवायु परिवर्तन को अटेंड करने का हमको मौका मिला, गुजरात की धरती पर हम गए थे। तो हम लोग अब तो इस बिजनेस में आने के बाद हर चीज को उसी पैराडाइम से, उसी प्रिज्म से देखने की एक आदत सी है, तो एक बड़ा बड़ा अच्छा अनुभूति भी हुआ। वैसे तो इस पेशे में अक्सर ऐसे मौके मिलते हैं, लेकिन उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री के संबोधन को और दुनिया भर से आए हुए क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स की बातें सुनी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म है लाइफ, LIFE, उसका फुल फॉर्म है लाइफ फॉर क्लाइमेट। और यूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री के खाते में कई उपलब्धियां हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि यद्यपि योग इस देश की संस्कृति से भी पुरानी है, इनफैक्ट धर्म से भी पुराना है, क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि यह योग मैंने सूर्य को सिखाया था, सूर्य से बाद में आते हुए फिर आज मैं तुमको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत वर्षों से, बहुत शताब्दियों से लुप्त हो गया था। और आप सब लोग जानते हैं कि इस योग को आदरणीय प्रधानमंत्री और सारे देशवासियों के अथक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को भी हम लोग मनाने लगे। उसमें एक मूल मंत्र था उस लाइफ का, उसको बोलते हैं उन्होंने जो नाम दिया है वो है पंचतंत्र का, वो पांच उंगलियों का, उस पर अगर मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे, और इस बिजनेस के लिए बड़ा रेलिवेंट है वो पांच, जो देर आर फाइव इनग्रेडियंट्स विच कैन मेक योर लाइफ बिगर, more successful, more meaningful, more significant, and moreover, more happier as well.
दोस्तों वहीं से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं भी फिलहाल पटना से बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले सहरसा में मेरी पोस्टिंग थी, तो आप सब लोगों को से बहुत दिन के बाद मुखातिब हो रहे हैं। विगत कुछ महीनों से हम थोड़े अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहे, बट एनीवे आप सब लोग को नवरात्र की बहुत बधाई। पूजा शुरू हो चुका है। आज हम दो विषय पर जरूर बात करना चाहेंगे आपसे। आप सब लोग इलीट क्लब क्वालिफाई करके आए हैं, इसका दो मतलब है। पहला, आपने इस बिजनेस के इथॉस को समझा है और जो बिजनेस का कोर वैल्यूज है, किसी भी बिजनेस का कोर वैल्यू वो कस्टमर्स होता है। दुनिया में किसी भी बिजनेस को उठा लीजिए, इफ यू डोंट हैव कस्टमर्स यू डोंट हैव बिगर बिजनेस। और जिसने कस्टमर्स के कोर वैल्यूज को समझा वो बहुत बड़ा बिजनेस बना लेता है। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे अडानी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपने लिए बड़ा स्थान बना लिया, और जिस रफ्तार से उनका ग्रोथ हो रहा है, लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में शीर्ष पर वो रहेंगे। और उसी प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से जा रही है। एक आंकड़ा और आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लूमबर्ग ने अभी हाल में एक सर्वे किया, उसके दो तीन बड़े अच्छे परिणाम आए हैं जो बड़े उत्साहवर्धक है। सामान्यतः न्यूज चैनलों में हम लोग नेगेटिव चीजें ही देखते हैं, लेकिन अगर आप उसमें फाइनेंशियल न्यूज को थोड़ा एनालाइज करने के बारे में आदत डालें तो कदाचित ये आपके बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा रहे। तो ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया, उसमें दो तथ्य हम लोगों के काम का है। पहला तथ्य यह है कि इस देश ने अपने औपनिवेशिक कलंक को धोते हुए उस राष्ट्र को अर्थव्यवस्था के मानक पर पीछे धकेल दिया जिसने 200 साल हम लोगों पर राज किया। वी हैव मूव्ड अहेड, हम लोगों ने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर विश्व की आर्थिक पटल पर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है, और ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। अगर हम भारतीय हैं, सब लोग राष्ट्रीय हैं, सब लोग नेशनलिस्ट हैं, सो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। मैंने मुझको लगता है कि करीब कोविड के पहले जब पटना में मीटिंग होती थी तो कई बार हम लोगों ने चर्चा की, और एक आंकड़ा ब्लूमबर्ग ने शेयर किया, उसके अनुसार 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था यह देश हो जाएगा, और जिसको GDP एट PP बोलता है, वो टेक्निकल वर्ड है। तो समझने की बात यही है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति 2050 में भारतवर्ष हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। दूसरा जो ब्लूमबर्ग का आंकड़ा है वो और बड़ा मजेदार है। उसने कहा है कि कोविड के पहले जो मिलियनायर्स, उसको बोलते हैं कि अगर $1 million या उससे आगे ये जो है उसका एक पैरामीटर बना, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। उसने कहा कि भारतीयों में मिलियनायर्स के ग्रोथ का जो रेट है वह 14% से बढ़कर 28%, यानी आने वाले दशक में इस देश में अमीरों की संख्या में इजाफा होगा। और मजेदार बात इसमें यह है कि उसमें जो एनालाइज किया वो कहता है कि लास्ट प्रीवियस 5-7 साल 10 साल में जितने मिलियनायर्स हुए उसमें अधिकांश लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं था। वो न टाटा के खानदान के थे, न अंबानी के खानदान के थे, न तो रुइया के खानदान के, न थे महिंद्राज के खानदान, वो हमारे और आपके जैसे लोग। इस दोनों चीज का एक अर्थ है और वो अर्थ हम लोगों के लिए बड़ा रेलिवेंट है। पहला अर्थ ये है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसका मतलब यहाँ बिजनेस भी बहुत फास्ट होने वाला, क्योंकि जब तक अगर हम लोग एमवे बिजनेस में हैं और वो बिजनेस अगर फास्ट ग्रो नहीं करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, तो फिर हमारी भागीदारी, हमारा ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ तो उसी पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज ये है कि इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आंकड़े आ गए हैं, दुनिया के अधिकांश मुल्कों को छोड़ करके हमारे देश का GDP है बहुत पॉजिटिवली, बहुत तेजी से भाग रहा है। इसका दूसरा मतलब यह है, ब्लूमबर्ग के दूसरे आंकड़े बता रहे हैं कि जिस प्रकार से यंग एंटरप्रेन्योर्स, खास करके U35, दो शब्द मैंने बताया था, एक बार चर्चा किया था टीम मीटिंग में, दो शब्द में ऐसा याद रखिए, वो इकोनॉमी में बहुत प्रयोग हो रहा है, एक U35 एक O35। तो अखबारों में आप ये शब्द बड़े सुनिएगा,
when you are listening U35, that means you are referring to the person who are below 35 and those who are entrepreneurs. और O35 का मतलब होता है जो 3500 ऊपर, जिसमें हम लोग हैं, राकेश बाबू हैं, हम लोग हैं, प्रियम्बा जी भी हैं, और इसमें बहुत सारे U35। तो दूसरे आंकड़े ये बता रहे हैं कि हम लोग उस दिशा में, उस रास्ते पर, उस मार्ग की ओर अग्रसर हो गए हैं जहां न सिर्फ हम देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के साथ साथ अपना ग्रोथ लेंगे, अपितु हम वैसे बहुत सारे U35 के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे जो बहुत चीज एस्पायर कर रहा है। उस आंकड़े में एक और तथ्य है जो हम लोगों के लिए बड़े काम का है, और इनफैक्ट एमवे ने भी एक सर्वे किया था। एमवे के वेबसाइट पर जाइएगा, AGER करके एक रिपोर्ट है, एमवे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर रिपोर्ट 2021, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसको, एमवे के वेबसाइट में ही दिया है, रिसोर्स एंड डाउनलोड में जब आप जाइएगा तो देयर इज अ रिपोर्ट दैट कैन बी डाउनलोडेड, उसका टाइटल है AGER, एमवे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में भी इस चीज को कोरोबरेट कर रहा है, वो रिपोर्ट कह रहा है कि 57% भारतीय, इनफैक्ट 25 कंट्री में उसका सर्वे हुआ था जहां एमवे है उसमें भारत भी एक है, उसमें कह रहा है 57% जो यंगस्टर्स हैं U35 है वो अब अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस थे जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि नौकरी कोई खराब चीज हो गई, प्रोफेशन कोई वकील है, डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल एक्सेलेंट, बट माई डियर फ्रेंड यू नीड टू अंडरस्टैंड that if you want to grow, if the society has to grow, if the country has to grow, the economy has to grow. अगर आपको आगे बढ़ना है तो समस्त समूल संपूर्णता में holistically economy को grow करना पड़ेगा, तब आप grow करिए। तो इन्हीं कुछ आंकड़ों को मैंने आपके साथ share किया। With this positive note, I will like to switch over to the topic that I would like to deliberate upon with all the esteemed audience and the leaders. So, are we ready for that, Rakesh Babu? So, shall we proceed with this note? Thank you. So, उसको share करने का I hope थोड़ा right दे दीजिएगा. I like to share few things. एक दो तो slide हम share करना चाहेंगे. Yes. Okay. Thank you, Ajay ji. एक स्लाइड आपके सामने है, यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। एक जिग जैगलर की किताब अभी हम पढ़ रहे थे, बॉर्न टू विन, हालांकि वो पायोनियर बुक है, उसके बाद उस टाइटल से कई किताबें लिखी गई, सीपखेड़ा वगैरह ने भी लिखा, और एक और बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मन विंसेंट पील। ये दोनों राइटर की खासियत यह है कि जिग जैगलर तो फैक्ट एंड फिगर से बात करते हैं, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील वो बहुत बड़े फिलोसफर भी रहे, स्पिरिचुअल लीडर भी रहे, और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे। उनके क्रेडिट में एक नाम जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत निराशा, बहुत बहुत नास्तिक आदमी थे, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, बट उनकी एक किताब जिसका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसको पढ़ के डोनाल्ड ट्रंप भी ईश्वर में आस्था जता दिया, तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन दोनों के सार को लेकर के मैं 5-7 मिनट में आपके साथ इन बातों को शेयर करना चाहूंगा, तो हैव अ लुक ऑन दिस। और ये हम लोग सब लोग जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के सभी धर्मों के ग्रंथों में भी इस चीज की चर्चा है, गॉड हैज मेड यू टू बिकम ग्रेट एन अचीवर, ईश्वर ने आपका निर्माण ही इसलिए किया है कि आप महान हो और आप अचीवर बने, ईश्वर ने इसीलिए निर्माण ही आपका किया है। इसलिए कदाचित किसी व्यक्ति को यह रत्ती भर, क्षण भर यह लगता हो कि वो बड़ा नहीं कर सकता है क्योंकि वो नौगछिया में जन्म लिया है, वो बड़ा नहीं हो सकता है, वो अचीव नहीं हो सकता है इसलिए कि वो लेडी है, वो बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने फॉर्मल एजुकेशन कम लिया है, वो बहुत बड़ा अचीवर नहीं हो सकता क्योंकि अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो यह तथ्य विहीन तर्क है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, और इस चीज को आपको बिलीव कर लेना है, बिलीव दैट गॉड हैज मेड यू टू बिकम ग्रेट एंड टू बिकम अचीवर। आप पढ़िए महाभारत में,
भगवान कृष्ण ने जब कहा ही है कि हर, उन्होंने कहा मैं एक अंश मात्र से इस समस्त सृष्टि को धारण किए हुए, उन्होंने पहले ही अध्याय में उन्होंने इसकी चर्चा की है कि मेरा तो कोई शुरुआत ही नहीं, मेरा तो कोई मध्य नहीं, मेरा तो कोई अंत नहीं। इनफैक्ट अगर आप पढ़ें महाभारत तो 18वें श्लोक में भगवान ने कहा हर व्यक्ति में हम, और उसी को जिग जैगलर से लेकर के नॉर्मन विंसेंट पील से लेकर सारे फिलोसफर में 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। सो यू आर बॉर्न टू विन, पहले इस आस्था को, इस विश्वास को, इस तथ्य को, और ये मैं कोई मोटिवेट करने के लिए आपको नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक बहुत बड़ी न्यूरो साइंटिस्ट हुई, उनका नाम था डॉक्टर कैंडिक पर्ट, उनको बोला जाता है कि न्यूरो साइंस की वो देवी थी। शी वॉज ए लेडी हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोबेल पुरस्कार। उन्होंने लिखा है अपने थ्योरी में कि इंसान जिस दिन मरता है उस दिन तक उसके शरीर में नए सेल बनते हैं, और जो किताब उन्होंने लिखा उस किताब का नाम है योर बॉडी इज योर माइंड। वो कहती हैं कि आपके शरीर में मरते समय तक भी नए सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक नया सेल आपको नई ऊर्जा, नई ऊंचाई और नए अवसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 70 साल का भी इस हॉल में बैठा हुआ है, he can achieve। और अगर ये नहीं होता तो 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर गुडेनफ, जॉन गुडेनफ को नहीं मिलता, जो 94 साल है। जब बीबीसी के संवाददाता ने उनसे पूछा कि मिस्टर गुडेनफ, वी हैव लर्न दैट यू स्टिल वर्क इन लेबोरेटरी, इन यू स्टिल वर्क ऑन रिसर्चेज, then he said yes, do you think that I should retire and wait to die, kya aapko lagta hai ki mujhko retire karke marne ka intezar karna chahiye, no। So every human being is made to become great and to achieve, aur aap sab log achiever hain। Aur agar aap 300 plus pv karke elite club qualify kar sakte hain, agar aap platinum ja karke, founder platinum ja ke, emerald ja ke, diamond, double diamond, crown ja karke yahan par hain, each one of you sitting in this digital hall can become great and achieve। lekin aisa hota kyun nahi, prashn hi uthta hai, then why people fail, why people don't achieve the kind of height, the kind of success, the magnitude of success, the trajectory that he's supposed to achieve, aisa kyun nahi hota। iske 3 karan या 3 इंग्रेडिएंट है जिसके कारण, जिसके चलते आप प्राप्त कर सकते हैं। आई हैव रिटन 3 वर्ड्स, विल, स्किल एंड रिफिल। ये 3 शब्द हैं, इसको ध्यान से सुनिए। और ये सब कोई नए शब्द नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, और ये इस बिजनेस के लिए बड़ा रिलेवेंट है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बट ये समझ लीजिए कि विल, स्किल एंड रिफिल। What is will? Will is nothing but desire, dream। इसके बारे में हम लोग एमवे बिजनेस में, इनफैक्ट सब लोग कहता ही है कि जैसे आप ड्रीम का बात कीजिएगा बोले आप एमवे करते हैं क्या, तो क्यों? अरे भाई ड्रीम व्रीम का बहुत बात करता है, दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो ड्रीम का नाम है, ड्रीम का मतलब होता है रात में जो सपना आता है उसको बोलते हैं ड्रीम, भूत के सपना देख लिया वही ड्रीम। हम लोग जब छोटे थे तो मगही हम लोग बोलते हैं, मगध के हैं, तो सुबह उठ के बोलते थे माँ को कि मैया सपना देख लियो, तो माँ बोलती है डरा गए कि, माने सपना का मतलब डर था। बट व्हेन इवन यू टॉक टू द पीपल हु आर इन, हु वाज नॉट इन इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंडेवर, आप टॉक कीजिए राकेश बाबू बैंक में, किसी से पूछेंगे स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर से व्हाट इज योर ड्रीम, कहेगा पागल हो गया क्या, ड्रीम का क्या जगह है। इवन इन विथ माई कोलिग्स व्हेन आई टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, दे आर वेरी लेकिन इसको आप इनकलकेट नहीं कर रहे हैं, ड्रीम डिजायर एंड विजन, तो यह सबसे बड़ा बाधा है आपके ग्रेट होने में और अचीव होने में।
आप सोच करके देखिए ना, बहुत सारे लोगों को ट्रेन से उठाकर फेंक दिया होगा साउथ अफ्रीका में, गांधी जी को भी फेंक दिया, बट ही हैड अ ड्रीम, ही हैड अ डिजायर, ही हैज अ विजन, ही केम डाउन टू इंडिया, स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट, द कंट्री बिकम फ्री. आप के पास क्या वो डिजायर है? देन यू वॉन्ट टू बिकम फ्री, यू वॉन्ट अदर पीपुल टू बिकम फ्री, क्योंकि एमवे बिजनेस अकेले सफल होने का तो नाम ही नहीं, अकेले आप सफल ही नहीं हो सकते. Unless and until you carry forward, you bring people, you handhold people, you cannot become successful. So the first point is, इस दुनिया में, इस एमवे बिजनेस में अगर आपको जाना है, इसको रिफर्निश हमेशा करना पड़ेगा. अब ये इस पर अलग से बात हो सकती है, डिजायर, ड्रीम, विजन अलग अलग लेवल पर अलग अलग है. और एमवे बिजनेस में जब भी आप स्टार्टअप होइएगा, आप पीछे मुड़ के देखिए, कहीं ना कहीं आपके सपने धूमिल हुए, कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स धूमिल हुए हैं. और अगर ऐसा होगा तो आप फिर पीछे छूटिएगा. महाभारत का एक प्रसंग है, जब अगली सुबह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं सज गई और अगली सुबह रणभेरी बजती और युद्ध हो जाता. अर्जुन बड़े क्रोधित थे और वो तलवार को आग में डाल के पूरा गर्म कर रहे थे. ही वॉज वेरी एंग्री, उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वालामुखी धधक रही. तो भगवान ने पूछा कि इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? तो बोले, माधव, हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते. मुझको लगता है कि जल्दी से युद्ध हो और हम निकालें अपने गांडीव से, अपने तीर निकालें और हम समूचे युद्ध को खत्म कर दें एक दिन में. भगवान ने कहा कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक समय होता है. यू आर वेरी एक्साइटेड, आज आए हैं सर, कल है हम डायमंड चले, देयर इज अ प्रोसेस. तो ये जो ड्रीम, डिजायर और विजन है, ये हर लेवल पर अलग अलग. और अगर आप कहीं रुके हैं तो आप फील कीजिएगा, पीछे मुड़ के देखिएगा, कहीं ना कहीं उस पर परत चढ़ा है. अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे. ये पहला इंग्रेडिएंट है टू बिकम ग्रेट अचीवर एंड सक्सेसफुल. और एमवे बिजनेस में इसकी बहुत जरूरत है. नाउ व्हाट इज अ स्किल? विल तो है, लेकिन ये स्किल, अब इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात, स्किल का मतलब कौशल है. अब आप सोच करके देखिए कि आपको, माने आपको जान करके आश्चर्य होगा, अगर आप लोग अध्ययन करते होंगे तो स्किल का बड़ा बहुत महत्व है. जब युद्ध की ठन गई, इनफैक्ट जब 12 साल का वनवास मिला पांडवों को और 1 साल का ज्ञातवास, भगवान तो जानते थे कि युद्ध तो होके रहे, तो इस बीच में जो कौरव थे, खास करके दुर्योधन, दुशासन और बाकी लोग एकदम डूब गए विलासिता में, मदिरा पी के मस्त थे. लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, तुम तपस्या करो, पशुपतास प्राप्त करो, स्वर्ग में जाओ, इंद्र के पास जाओ और वज्रास्त्र प्राप्त करो, तैयारी करो. स्किल, यू नीड टू शार्पन योर स्किल. आप जब इस बिजनेस में आए थे तो जिस स्किल से प्लान दिखा रहे थे, प्रोडक्ट का जो नॉलेज था आपका, पीपल स्किल जो था, क्या वो शार्पन हो रहा है? एवरी टाइम यू नीड टू शार्पन योर एज. वक्त के साथ सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, नए वर्ड आपको सीखना. जैसे एक नया वर्ड अभी आया है, उसको बोलते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्या आपने सुना है? D2C, C2C, D2C, C2D. These are new words that is being coined in economy. Do you know that? So this is a kind of a skill that you need to understand. D2C, direct to customer. B2B, business to business. ये नए words coined हो रहे हैं. And I was very happy when I learned it from one of my leader, Dr. Viren. हमने कहा कि आप कहाँ से सीखे डॉक्टर साहब? You are a DM cardiology. बोले कि साले की एक स्किल की ट्रेनिंग हो रही थी, हमने लिया. हैट्स ऑफ. क्या आप अपने स्किल को शार्पन कर रहे हैं? तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा यहां, सिर्फ पीपल स्किल की चर्चा करूंगा. और एमवे बिजनेस ही नहीं, दुनिया के जितने महान बिजनेसेस हुए हैं, दुनिया के जितने महान एम्पायर हुए हैं, दुनिया की जितनी बड़ी सल्तनतें हुई हैं, जिसने लोगों को बिल्ड किया, वो कभी नहीं मिटा है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस हो, कभी नीचे नहीं जाए, अगर जाए भी तो बाउंस बैक कर जाए, तो आपको पीपल स्किल पर काम करना.
मैंने एक बार चर्चा की थी, हमने एक बार लखनऊ गए थे, लखनऊ पहले भी गए थे, इस बिजनेस में आने के बाद एक बार लखनऊ गए, वहां भूल भुलैया गए देखने, बड़ी इमामबाड़ा उसको बोलते हैं। तो जो गाइड बता रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग हमको लगा, उसने कहा कि ये जो नवाब था इसने 22 साल यहाँ हुकूमत किया अवध पर, और ये 11 साल उसको इस इमामबाड़ा को बनाने में लग गया। और आपको पता है उन दिनों छड़ गिट्टी तो रहता नहीं था, ईंटा सुर्खी चूना बेल का लस्सा दाल गुड़ आदि से महल बनते। आप सब लोग इतिहास पढ़े हैं, एक शाम अंग्रेज वहां आया और वो नवाब भाग गया छोड़ के और खत्म हो गया सब कुछ। कहा ही जाता था उस नवाब अवध के बारे में कि पूछा जब अंग्रेज की भागे तुम कहे नहीं, बोला अरे कोई जूता पहनाएगा तब ना भागेंगे। उसी दिन हमको लगा कि देखिए ईंट गारे से पत्थरों से बनी हुई इमारत एक दिन में खत्म हो गया। वन फाइन मॉर्निंग द एंटायर सल्तनत वाज फिनिश्ड। लेकिन इस देश में, इस सभ्यता, इस संस्कृति, इस ब्रह्मांड और इस दुनिया में जिसने लोगों की इमारत खड़ी कर दी वो कभी खत्म नहीं। उठा ले, सोच लिए ना, बुद्ध 6th सेंचुरी, जैन, गांधी का इज्म हो गया गांधीज्म, सूफी आए, पैगंबर साहब आए, जीसस आए, इन लोगों ने लोगों की इमारत खड़ी कर दी। अगर इस बिजनेस को आपको बहुत बड़ा करना है, आप सोच करके देखिए ना, बिल ब्रीट को हमने नहीं देखा, उसको नहीं पता है, राकेश बाबू या प्रियंबा जी देखे होंगे बट आई हैव नॉट सीन, डेक्स्टर ईगर को आप लोगों ने किसी ने शायद नहीं देखा हो। आप सोच करके देखिए कैसे लोगों की इमारत खड़ी की उन्होंने कि आज बिल ब्रीट भी नहीं है, डेक्स्टर ईगर भी नहीं है, रिच डिवॉर्स भी नहीं है और हम लोग यहाँ। क्या ये विजन आपके पास है कि लोगों की ऐसी इमारत खड़ा कर दें जो चिरस्थायी हो, लोगों के दिल में बस जाए? इसके लिए आपको पीपल स्किल सीखना होगा। तो मैंने कहा विल एंड सेकंड इज स्किल, पीपल स्किल। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है भाई, आप अपने पीपल स्किल को शार्पेन कीजिए। अब इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन एक दो चीज जरूर बताएं, तीन चीज को जरूर सीख लीजिए। पहला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। आप कहिएगा सुनने में कौन कला है भाई, अभी तो हम सुनिए रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं हम सुन रहे हैं। आप बिलीव कीजिए देयर इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की भी कला होती है। और अगर आपने ठीक से नहीं सुना ना, आप गए हैं प्लान दिखाने, आप तो अपना प्रवचन दे दिए लेकिन अगर आपने उस प्रोस्पेक्ट की बात को आर्ट ऑफ लिसनिंग से नहीं जोड़ा, यकीन मानिए आप कितनों बढ़िया प्लान दिखाओ नहीं आया। अब उस पर अलग से बहुत डिटेल में नहीं हम बात करेंगे, आप कई किताबें हैं जिसको आपको पढ़नी चाहिए। आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। हम लोग तो बार बार सुनते हैं भाई प्रशंसा करना चाहिए, अच्छी बात है, प्रशंसा करने से आपका भी मन प्रफुल्लित होगा और उसका भी, लेकिन क्या आपको प्रशंसा करना आता है? अगर प्रशंसा करना है इट इज ए पीपल स्किल। अगर गलत प्रशंसा कर दिए, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उसको एक भाषा में बोलता है गए थे छक्के बने दुबे, दुबे जी गए चौबे बने, छक्के बने दुबे बन गया गए टाइप ऑफ थिंग्स, बट आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिए, लोकोक्ति है। तो देयर इज एन आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, उसके लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ टू। प्रशंसा कैसे करनी चाहिए उसके एक नियम है, रूल ऑफ टू। आपको लगता है शायद मैंने कभी चर्चा की थी या नहीं की थी। रूल ऑफ टू कहता है कि किसी की प्रशंसा करनी हो तो उस जिस चीज के बारे में आप प्रशंसा कर रहे हैं उसके लिए दो प्रश्न पूछिए। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं किसी के घर गया, मैं किसी का नाम लेता हूँ, रहमान जी के यहाँ मैं चला गया, या बीबी सिंह साहब हमको इनवाइट किए, या प्रथम जी हमको बुलाए, हालांकि बुलाए नहीं है लेकिन मान लीजिए कि बुलाए, राकेश बाबू के यहाँ जमशेदपुरब है तो जाएंगे, या मान लीजिए कि रूबी एंड चंदन जी बैठे हुए हैं जो भी हॉल में है, मैंने किसी का नाम ऐसे लेके बता, मान लीजिए कि इन्होंने हमको बुलाया, उनके घर पर गए, इनका कोई चीज तो अच्छा हो, मे बी टीवी, मे बी इनका किचन गार्डन, मे बी इनका कालीन, मे बी इनके पर्दे अच्छे हों। अब सामान्य एडिफिकेशन का स्टाइल ये है कि यार बड़ा अच्छा आपका, ये बोलता है ठीक है चलो, सब कोई बोलता है, लेकिन उसके लिए अगर दो जेन्युइन प्रश्न आप पूछिएगा
तो वो उसको अच्छा माना जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी का, जैसे मान लीजिए कि रूबी एंड चंदन जी के घर पर गए, इनके पीछे लगा हुआ पर्दा बहुत खूबसूरत है, तो हम रूबी जी से बोलेंगे कि रूबी जी पर्दा बड़ा अच्छा है, कहां से लिए? अच्छा ये डिजाइन आप कहां से चुने? आई आस्क हर टू क्वेश्चंस। अब बताइए रूबी जी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि आदमी जेन्यूनली मेरी प्रशंसा कर, लेकिन ऐसा ही कर रहा है पर्दा बड़ा बढ़िया है। कई बार तो अरे भाई एमवे बिजनेस में लोग इतना एक्साइटेड रहता है कि हर बार बोलता है अरे बहुत बढ़िया ग्रेट, वो आदमी फोन किया अरे भाई हमारे यहाँ देखिए ना वो एक आदमी का तो डेथ हो गया, अरे बहुत बढ़िया ग्रेट, अरे फेरा है भाई। तो पीपल स्किल में आर्ट ऑफ इडिफिकेशन, मैंने तीन स्किल की चर्चा की थी, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ इडिफिकेशन एंड आर्ट ऑफ स्पीच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ स्पीच। चलिए रूबी जी आप नाम सामने में थी और आपका पर्दा भी वाकई अच्छा था इसलिए आपका नाम दिया। आर्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किताब टेल कार्नेगी की है, हाउ टू वो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल वाला ने, हाउ टू बिकम ए पब्लिक स्पीकर करके एक बुक है। हम एक बार याद है सेमिनार लेके मुंबई से लौट रहे तो मुंबई एयरपोर्ट पर ही किताब मिल गया, तो मुंबई से पटना आने के क्रम में उसको पढ़े, इतना जबरदस्त किताब है वो। अब उसका सब चीज तो नहीं चर्चा करेंगे लेकिन आर्ट ऑफ स्पीच में उसने बड़ी अच्छी बात है, उसमें कुछ चीजों की चर्चा की कि जब आप बात करते हैं तो आपके पूरे सेंटेंस में कुछ चीजें अनइम्पॉर्टेंट होंगी और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यू मस्ट लर्न कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको उसका पिच हाई करके बोलना है और उसको धीरे बोलना है, और जो चीज अनइम्पॉर्टेंट है उसको लो पिच में और फास्ट बोल के निकल जाना। जैसे इंश्योरेंस वाला हमने लिखा रहता है कि आपको जो है 5,00,000 रुपया मिलेगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो इतना छोटा लिखा रहा था कोई नहीं पढ़ता। तो आर्ट ऑफ स्पीच में कहता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे फर्ज किए कि हम लोग प्लान दिखा रहे हैं और बात किए कि साहब डायमंड का इनकम 70,00,000 से 90,00,000 डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर 1 करोड़ या पार हो सकता है। तो कहते हैं डेल कार्नेगी कि जब इसको बोलिए तो इस पर एम्फसाइज करके पिच को हाई करके और स्पीड को लो कर दीजिए, कि डायमंड लेवल पर इनकम का जो लेवल होता है वह 90,00,000 से 1 करोड़ रुपया तक हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पीच। कई बार आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है but if you don't have that amount of acumen pertaining to the speech pattern, then probably the kind of impact that you can make or you would have made probably would be conspicuously absent, शायद वो absent। अब चलिए इस पर और बात नहीं करेंगे, कई एक आर्ट, फिर आर्ट ऑफ इनफैक्ट आप आर्ट ऑफ सिटिंग इन साइलेंस भी है, शांति से कैसे बैठा जाए। अब देखिएगा प्लेन में बैठा हुआ आदमी आधा घंटा में छाट पाट साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन इतना साउंड करेगा। मेनी ए टाइम्स पीपुल मेक मोर साउंड विदाउट स्पीच इन कंपैरिजन टू मेक लेस साउंड आफ्टर स्पीच। कई बार बिना बोले इतना हल्ला करता है कि उतना हल्ला वो बोल के भी नहीं कर सकता। ट्रेन में बैठिए यहां से दिल्ली जाइए ना, आधा घंटा में 15 बार बाथरूम जाएगा कुछ आदमी, आप देख लीजिए पक्का बेचैन कर देगा, वो बोलेगा कुछ नहीं सबको बेचैन कर देगा। बट एनीवे, तो मैंने दूसरे पॉइंट को कवर कर दिया, अब जल्दी से खत्म कर देंगे, एक बार टाइम में पता नहीं चलता है। तो दिस इज विल इज स्किल एंड फाइनली इज रिफिल। कहता है कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू वांट टू बिकम ग्रेट अचीवर, यू नीड टू रिफिल योर सेल्फ, अपडेट कर। और फिर आपको ही मैंने चर्चा की थी जो वहां से मैंने छोड़ दिया, अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, द्रोणाचार्य ने कौन सी विधा जो उनको नहीं सिखाई, तो फिर वो क्यों सीखने के लिए चले गए, फिर वो क्यों स्वर्ग गए, उन्होंने नृत्य क्यों सीखा। आप सबको पता है ब्रह्मल्लाद बने जब 13वां वर्ष मद्र नरेश के यहाँ उन्होंने अज्ञातवास में गुजारा तो ब्रह्मल्लाद बने। यू नीड टू लर्न स्किल, अपडेट योर सेल्फ, हर दिन अपडेट करना पड़ेगा। अरे भैया आप देख लीजिए न कि सदी वाला सूट अगर पहन के निकल गया तुरंत धार लेगा, शादी वाला सूट है कहा सर,
उसका स्टाइल है बता दे, तो अपडेट नहीं हुआ है। मोबाइल सुबह ऑन कीजिए ना, तुरंत मांगेगा कि अपडेट अवेलेबल, उसको जैसे ही दबाइएगा वो शुरू हो जाएगा इंस्टॉल। निर्जीव चीज अपडेशन खोजता है, तो हम और आप अपडेशन करते हैं। अगर आप प्लेटिनम जिस स्किल से गए हैं, जिस सॉफ्टवेयर से गए हैं और सोच रहे हैं कि डायमंड भी वही सॉफ्टवेयर से चले जाएंगे, देन यू आर इन कंफ्यूज। वो सॉफ्टवेयर बात तो भाई अपडेट करना, एक के बतिया सारी रतिया नहीं चलेगा। 1857 में भी वही बात बोले थे, और मोदी जी का नारा है 2047। आजकल हम लोग का हमेशा मीटिंग होता है इंडिया 2047, तो 2047 में भी वही बतवा नहीं चलेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, अर्थव्यवस्था गवाह है, संस्कृति सभ्यता गवाह है कि जिसने अपडेट नहीं किया वो मिट गया। एम्बेसडर कितना बढ़िया गाड़ी, अपडेट नहीं किया, क्लास। राजदूत मोटरसाइकिल, शान की सवारी, खत्म हो गया, अपडेट नहीं किया। तो वेदर यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ, ये तीन चीज है जिसको जरूर याद करना चाहिए। लेकिन मित्रों, इस क्रम में, इस सफर में आप नीचे भी जाइएगा। इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कई केसेस आएंगे, किसी साल आपका बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ, किसी साल डीग्रो कर गए, कोई चिंता नहीं करना, और वहीं से उठाने की जरूरत है, वहीं से उठाने की जरूरत है। और एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल, इंसान कैसे गिर के उठता है। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट वो यही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बिजनेस नीचे ऊपर नहीं जाएगा। प्रेमा जी बड़ा बढ़िया बताते थे कि अगर आपका ईसीजी फ्लैट है देन यू आर डेड, इट शुड बी लाइक दिस। वही है, क्या करें बस। उस बिजनेस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्षण होता है, क्योंकि एक ऐसा मोड़ होता है जहां से दो ही रास्ते जाते हैं। जब आपका बिजनेस नीचे जाता है, पिन नीचे चला जाता है, वहां से दो ही रास्ते। पहला रास्ता है आप डिमोटिवेट होकर बाहर हो जाइए, और दूसरा रास्ता है कम बैक का। एक बार झटका दीजिएगा और झटका मार्केट, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। आप अगर इसको देखेंगे, ये स्लाइड मैंने बनाने की कोशिश किया, हालांकि बहुत टेक्निकली साउंड नहीं, अजय जी मदद करते हैं। टर्न ए सेटबैक इनटू ए कमबैक, द कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। अगर कोई सेटबैक लगा है तो कैसे उसमें आगे आना चाहिए। टाइम इनफैक्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी से रैप अप कर देता हूं। अब आपको फटाक से ये स्लाइड खत्म करके हम बात करने लगे। तीन एग्जांपल आपके सामने, पहला एडिसन, अब्राहम लिंकन, और तीसरा जो बाइडेन, जो भी राष्ट्रपति हैं। अभी तीनों का इतिहास हम नहीं बताएंगे। ये तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों के अर्ली लाइफ सेटबैक से भरे हुए। जो बाइडेन जिस उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जिस स्वास्थ्य से बने, इनको पार्किंसंस डिजीज है, इनका हाथ कांपता है, लेकिन ही नेवर क्विट, ही केम बैक। जब लोग नीचे गिरते हैं तो सबसे पहले जो समस्या होती है वो अपना होप छोड़ देते हैं, लूज होप, आशा छोड़ देते हैं। व्हाट टू डू फॉर बाउंस बैक, फोकस ऑन, मैं ये पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आगे इसको खत्म करके अपनी बात रैप अप कर दूं। एक्सेप्ट एज यू आर, कीप ट्रेजेक्टरी हाई। यहां एक फैक्ट लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये बहुत बढ़िया स्लाइड है, इसको आप देख लीजिए। फोर्ब्स मैगजीन में एलन मस्क और जेफ बेजोस के बारे में ये छपा है, और ये डेट भी मैंने लिख दिया है, 3/12/2021 का है, फोर्ब्स मैगजीन में। इसको जरा पढ़िए, एंटरप्रेन्योर्स एलन मस्क एंड जेफ बेजोस एक्टिवली इनकरेज फेलियर अमंगस्ट देयर इनर सर्कल। इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें। मस्क सेड, इफ यू आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग, एंड बेजोस फेमसली हायर्स पीपल हु हैव फेल्ड। फेलियर हैज बिकम समवॉट ऑफ ए cultural fetish amongst the business elite, the countless podcast and biographies providing reassuring
टेल्स ऑफ सक्सेस आफ्टर डार्क टाइम्स। अब इसको हम रिकैप्चर कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर से भी हो, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। एक दिन मैं ओरेकल के सीईओ का एक इंटरव्यू पढ़ रहा हूं, मैं उसका नाम भूल गया। उस समय में दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ थे ओरेकल के, मैं उनका नाम भूल गया। एनीवे वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उनके इंटरव्यू में पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि आपको क्या लगता है कि हम लोग की एक कंपनी छोड़ के किसी दूसरे मल्टीनेशनल में जाते हैं सीईओ के पोस्ट के लिए, तो हम लोगों से क्या पूछा जाता हो? आप सोच करके देखिए, फर्ज कीजिए ना कि स्टेट बैंक के चेयरमैन के लिए इंटरव्यू निकला और तीन आदमी, उससे क्या पूछता हो? फ्लिपकार्ट के सीईओ के लिए, अमेजन के कंट्री हेड के लिए क्या पूछता होगा? आपको आश्चर्य लगे, उससे दो ही सवाल पूछा जाता, क्योंकि अगर उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई किया है तो स्वाभाविक सा बात यह है कि वो पहले भी किसी वैसे ही पद पर रहा होगा ना, उससे दो ही सवाल पूछा जाता है। आपके लाइफ का फेलियर क्या था, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ का, व्हाट वेर द फेलियर्स इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, एंड सेकंड, हाउ डिड यू कम बैक, आप वापस कैसे आए? क्योंकि उसके इसी दो प्रश्न से जो उत्तर निकलता है वो बता देता है कि अगर इस कॉरपोरेशन में यह व्यक्ति आया और अगर हमको सेटबैक लगा तो फिर यह कैसे उठा। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, और अगर आपको बिलीव नहीं हो तो एक किताब लिखा हुआ है योर इंक, अगर मुझको याद पड़ रहा उसका भूल गए किनका लिखा हुआ है, अभी हाल में बुक ऑफ द मंथ में भी आया था वो किताब। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन टीम वाइज वॉल्यूम वाइज किसी महीने नीचे गया, किसी फिजिकल ईयर में नीचे गया, तो आप कैसे दिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर आदमी के इस बिजनेस के लाइफ में आता है, और अगर नहीं आता तो गड़बड़ है, आना भी चाहिए। हाउ विल यू कम बैक? मैं दो तीन चीज आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, बस मेरे पास वक्त भी नहीं है। राकेश बाबू 5-7 मिनट है मेरे पास टाइम, क्योंकि 1 घंटा हो गया, बॉस आधा घंटा बोले थे तो हमारा ज्यादा हो गया। डू आई हैव ओके, थैंक यू। 4 चीज याद रखिए। पहला, ऐसी स्थिति में, इनफैक्ट अब वो समय नहीं है, फोर्ब्स में निकाला ही है 4 बिंदु जो आपको याद रखने चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सेटबैक होता है देन हाउ विल यू कम बैक। फर्स्ट थिंग, पहला, एक्सेप्ट वेयर यू आर। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अभी हैं कहां, क्योंकि इलीट क्लब की मीटिंग है, मैं आपको स्पष्ट रूप से पता, आपका जो भी एक्चुअल, एक बार इनफैक्ट इस पर प्रियंबा जी भी बहुत एक बार बहुत अच्छा बात किए थे, प्रियंबा जी तो हर बिंदु पर ही बात किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ नया बोल रहे हैं। पहला चीज जो फोर्ब्स में भी लिखा है कि जहां आप हैं पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए। इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आप एक्चुअल जिस पिन पर, जिस लेवल, जिस वॉल्यूम पर हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करिए। फर्स्ट थिंग, रिमेम्बर, याद रखिए इसको, क्योंकि इसको अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप वैसे इल्यूजन में रहिएगा जिस इल्यूजन का कोई अंत नहीं। फर्स्ट, एक्सेप्ट वेयर यू आर। सेकेंड, वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल पोजिशन, बट जहां पर आपका हाईएस्ट पिन था या जहां भी हाईएस्ट पिन हो सकता है वहां पर आपका बॉडी लैंग्वेज, वहां उस लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल से हम कॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जांपल से आपको अच्छा लगेगा। मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा ऑफकोर्स, मैं एक बहुत बड़े राजनीतिक, एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री के साथ इस बिजनेस में आने से पहले उनके साथ में अटैच था। He lost the election miserably. Raman ji, you can understand मैं किनके बारे में बता रहा हूं। He lost the election miserably. हर देखो मैंने कहा हर जगह से सीखने की जरूरत। And he was sitting alone. Incidentally, उनके साथ मैं attached था, तो obviously हमको जाना था, तो मैं वहां गया। उन्होंने एक ही प्रश्न कहा कि आप आ गए? बोले हाँ सर, हमारा तो ड्यूटी था तो हम आ गए।
ही बाउंस्ड बैक। हम कोशिश किए कि उनसे थोड़ा सहमत सहानुभूति जताएं, गड़बड़ा गया है इलेक्शन। उन्होंने कहा कि अरे अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को बुलाए और उन्होंने कहा चारों तरफ हमारा डंका बज रहा है, अगले साल चुनाव में देखिएगा ना खेल बदल देंगे। आई वॉज मेसमराइज। क्या साहब कॉन्फिडेंस है, क्या हम में है? तो एक्सेप्ट वेयर यू आर बट बिहेव वेयर यू हैड बीन। जहां आप थे वही अंदाज। आप कभी गालिब का शेर पढ़िए, उसके शेर को सुनने की कोशिश कीजिए। बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर अपने आप में बहुत बड़े शायर, उनको जब अंग्रेजों ने लाया बांध करो, कहा कि तुम पर मुस्लिम एक्यूज जो है ये बहादुर शाह जफर, तुम पर अंग्रेजी हुकूमत मुकदमा चलाता है। सोच लीजिए, ही एक्सेप्टेड। इसने कहा बहादुर शाह जफर ने, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हारे यहां बंधक बंदी के रूप में, कैदी के रूप में आया हूं, लेकिन मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूं, तुम्हारे कोर्ट को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं सुल्तान हूं, मैं जिल्ले सुभानी। क्या वो अप्रोच आपका है? क्या फर्क पड़ा? कितना बार सुनाए हैं, क्या फर्क पड़ा साला, अंबर से चार गो तारा टूट गया, कमी है जी। तो क्या वो कॉन्फिडेंस आपका है? आप अपने बिजनेस के जिल्ले सुभानी है, शहंशाह अकबर है, शहंशाह हिंदुस्तान है। तो दूसरी चीज ये है, पहली चीज मैंने कहा एक्सेप्ट वेयर यू आर, सेकेंड बिहेव एंड हैव द कॉन्फिडेंस वेयर यू हैव बीन, एंड द थर्ड सबमिट टू योर मेंटर। ये बड़ी चीज, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत, मतलब प्रियंबा जी ने कई बार कहा है, हम थोड़ा ब्लंटली कर देते हैं, बॉस तो बहुत हिंगा के माने बहुत कभर्ड में बोलते हैं, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कमिंग बैक। अगर आपको कम बैक करना है, यू हैव टू सबमिट बिफोर योर मेंटर। देहात में वो कहावत था राकेश बाबू कि दगरिन से दर्द नहीं छिपा है, इफ ए लेडी इज प्रेग्नेंट शी कैन नॉट हाइड द प्रेगनेंसी फ्रॉम द डॉक्टर। लेडी डॉक्टर पता चल जाएगा कि लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट। योर मेंटर इज ए डॉक्टर, सबमिट बिफोर हिम कि ये स्थिति है हमारी, क्या करें, सबमिट बिफोर हिम। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, और ये सब कोई फेस करता है। बढ़िया ग्रो करता है तो एकदम तीन बारी अपलाइन को सर अभी तो एकदम कड़कड़ाए हुए हैं, मारे तूफान साला गलता मचा दिए, गड़बड़ाया है तो फोने नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही फोन कर रहे हैं मेंटर तो दूसरे पर गप शुरू हो गया कि सर अभी 2020 देख रहे हैं, और देख नहीं रहे हैं आप, यू आर हाइडिंग, तो दगरिन से नहीं छिपाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो ये कि आप ये जरूर सोच कर जब अपने आप को स्वीकार की यू आर नॉट द लास्ट वन, आप एक्सेप्शनल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप फेल नहीं कीजिएगा, अगर आप नीचे नहीं जाइएगा तो ऊपर जाए नहीं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा सफल व्यक्ति हुआ ही नहीं जो अपने एंडेवर में फेल नहीं किया था, और अगर ऐसा नहीं होता तो इलन मस्क, जेफ बेजोस, वो फेल किया हुआ आदमी को अपने इनर कोर टीम में क्यों रख। दिस इज अ फैक्ट। अगर मेरी विश्वास नहीं हो तो वो तीन दिसंबर 2021 का फोर्ब्स मैगजीन उठाकर पढ़ लो। ये लोग अपने इर्द गिर्द वैसे लोगों को रखते हैं इनर सर्किल में जो फेल किया अपने एनडीए वाले, क्यों? क्योंकि वही बताता है कि वो क्यों फेल किया। ये चार टेक अवे पॉइंट है दोस्तों। पहला, एक्सेप्ट कीजिए जहां आप हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहेव कीजिए वैसे जहां आप थे सर्वश्रेष्ठ शिखर पर। और हमेशा याद रखिए बहादुर शाह जफर, पृथ्वीराज चौहान को याद करिए, महमूद गजनी ले गया, बोला कैसा बर्ताव साला, हम राजा हैं, आंख फोड़ेगा तो फोड़ेगा, लेकिन आई एम द किंग, आई एम क्राउन, आई बिहेव लाइक आई एम क्राउन, एंड ईच वन ऑफ यू सिटिंग इन दिस हॉल मस्ट बिहेव लाइक ए क्राउन एम्बेसडर। आर यू विथ मी? आर यू एक्साइटेड? बगल वाला रूम वाला सुन रहा, बोला कहा हुआ पगला गया, ना जोर से बोल रहा है, तो जरूरी है। तो दूसरा चीज है, एकदम बिहेव कीजिएगा आई एम द किंग, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमसे ऊपर को है ये नहीं। मतलब मगही में बोलते हैं ना राकेश बाबू, हम सीमा भाभी ढा देंगे, कुछ है सर,
तालाब बुलट हो जाए, ये उड़ा देंगे हमारा गर्दा मचा देंगे चारों तरफ। तो वो एटीट्यूड रखना है, बोला हो जाएगा गर्दा मचा, एक्सेप्ट कीजिए जहां है, लेकिन एटीट्यूड वो। और तीसरा सबमिट बिफोर योर अप्लाई, एकदम जाइए प्रेम से। अरे भाई आप सोच करके देखिए ना, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, उससे कई गुना बड़ा योद्धा कर्ण था, अंतर क्या था? अर्जुन ने सबमिट कर दिया था कृष्ण। अब महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए, जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो वो रथ था, वह रथ माने पीछे हट जाता था 4 कदम और अर्जुन मारता था 10 कदम, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते थे, माने हम लोग की भाषा में ताली बजा देते थे। तो कर्ण को बड़ा टेंशन हुआ, बोला महाराज हम मारते हैं तो वो पीछे ठेला जाता है, और वो मारता तो हम जरा सा हटते हैं तो आप बड़ा ताली बजा रहे हैं। बोले पार्थ, तुम्हारे इस रथ पर मैंने समस्त ब्रह्मांड का भार लिए हुए और तुम्हारे ध्वजा पर हनुमान जी हैं, अगर वो मारता है तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं, अगर हम हट जाए तो तुम्हारे रथ का क्या हो। सबमिट बिफोर क्योंकि वहीं से एक्साइटमेंट आपको मिलेगा बॉस, और बिना एक्साइटमेंट के तो इस धरती पर सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड विदाउट एक्साइटमेंट। अरे मर जाता हाथ मुकरे में एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, जब तक जिंदा है एक्साइटमेंट, बिना एक्साइटमेंट देखिए ना, मुझे लटका हुआ है एकदम, ये बेचारा काम का मारा, इसको दो सिंकारा, उस टाइप का नहीं हो रहा है क्या रहमान साहब? अगर आपको स्मरण हो, गीता के पहले अध्याय में ही वो श्लोक है, जब दोनों सेनाएं सज गई और जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो पांडवों में दहशत हो गया, इतना जबरदस्त ध्वनि हुआ और जो नाद हुआ सब लोग दहल गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरा सेनेविटी मोटिवेटेड है, और वहीं पर एक्साइटमेंट की चर्चा की गई। अगर आप 14वें श्लोक को याद हो, मुझको अगर याद हो तो मैं सुना ही देता हूँ। यतः स्वेते हैर युक्ते महती संदनो स्थितो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु ऋषिकेशम 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रधद्मो महा शंखम भीम कर्मा बृकोदर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। 14वां 15वां 16वां श्लोक है, कहता है कि भगवान कृष्ण आए और उसने उन्होंने दिव्य रथ पर अपने 5 जन शंख बजाए। देवदत्त शंख नाम था अर्जुन का, पौंड शंख था भीम का, सुघोष मणि पुष्प शंख था नाम नकुल और सहदेव का, और ये सभी लोग जब शंख बजाए तो एक बार पांडवों के शिविर में हर्ष का लहर फैल गया और एक्साइटमेंट हुआ, और उसके बाद जो युद्ध हुआ और वो आप जानते हैं। उस तरह का एक्साइटमेंट देने का हुनर सलाहियत किसमें? आपके मेंटर, क्योंकि आप तो थके हुए, पिन गड़बड़ा है, स्ट्रक्चर गड़बड़ा है, 4 आदमी छोड़ दिया, दुगा लीडर भाग गया, भगेड़ू था चला गया, आप कहे चिंता कर, मेंटर के पास जाइए, भगवान कृष्ण के पास पार्थ बन के जाइए, क्योंकि वो आपके सखा भी हैं, आपके गुरु भी हैं और आपके भगवान भी, और वहां जाइए क्योंकि वहीं से आपको एक्साइटमेंट। और अंतिम चीज वही है, अपने बाजुओं पर ताकत रखिए। वे वही था जो डायमंड गया था, वही था जो फाउंडर प्लेटिनम गया था, वही था जो एमरल्ड गया था, और वही है जो फिर जाए। आपके बाजुओं में इतनी ताकत पहले भी थी, आज भी है, वो भुजाओं में रक्त वैसे ही दौड़ेगा, पहले दौड़ रहा, सिर्फ उसको स्पंदित करने की, और वो स्पंदन जैसी होगा आप समस्त ब्रह्मांड में छाइएगा। एंड यू कैन become achiever, you can become great, you can go crown, you can go diamond anywhere. So thank you so much friends, aaj aapse baat karke bahut acha laga. I just wanted to finish this entire speech with this positive note. Yeh samast sansar aapka intezar kar raha hai, ahmed ka to abhi aana baki hai, aur jab aapka jo gandiv hai उसकी प्रतंशा जब आप चढ़ा के छोड़िएगा तो साला चारों तरफ नगाड़ा बज जाएगा। आपसे बेहतर प्लान कौन दिखाएगा, आपसे बढ़िया ग्रोथ कौन लेगा, आपसे बड़ा स्ट्रक्चर किसका होगा, आपसे ज्यादा वॉल्यूम। यू आर ग्रेट एंड यू कैन डू। थैंक यू सो मच एंड बैक टू प्रियम। थैंक यू, नमस्कार। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग।
the best motivation has come from this September. The best inspiration has come in September. And the best talk has come from the best person who has greatest work ethics. आज किस बात के बाद अब कुछ बच नहीं गया कहने के लिए, दो चीजें का अनाउंसमेंट बच गया है. द फर्स्ट दैट अगला तीन दिन आपकी क्लोजिंग का है, 30 तारीख के पहले 29 तक इसको फिनिश इट ऑफ कीजिए, क्योंकि 30 तारीख पंचमी का दिन है और फिर उस दिन से दुर्गा पूजा पूरे पूरब में बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा. दूसरी चीज की जो भी आपके कोच मेंटोर हैं उनके साथ बैठकर डिसीजन लेके लास्ट 2-3 डेज को राउंड डालिए, सवेरे से रात तक प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट 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 अपने कस्टमर्स को रिटेल कीजिए, शिप कीजिए और यू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू द बेस्ट. और तीसरी चीज एमरल्ड एंड अप, सॉरी फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अप के साथ परसों रात को मीटिंग हमारी है 9:30 से, और वो कल वृक्ष में है. जो लोग बाहर हैं उनके साथ मैं लिंक पे आ सकूंगा इसकी भी संभावना देखूंगा, बट डे आफ्टर टुमारो परसों शाम को 9:30 से कल्प वृक्ष राम जयपाल पथ में फाउंडर्स प्लैटिनम में आपकी मीटिंग है, आगाज एक नए अंदाज में और उसके साथ साथ वो बातें करना जो बातें उनके हित की है. आने वाले दिनों में हम गुरुकुल की चर्चा करेंगे, हम उनके बिजनेस की चर्चा करेंगे और हम एक कम्युनिटी की भी चर्चा करेंगे. विथ ऑल दोस थिंग्स गुड नाइट, आपको माँ भगवती की कृपा मिले और इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं.